अभी तक आपने देखा पर्वत डॉक्टर में जिंग लिन को बोलती है जल्दी से नर्स को बुलाओ, लेकिन बाहर में जाकर देखते वहाँ पर कोई नहीं रहता है। फिर वो वापस जिंग के पास चला जाता है। जिंग बोलती नर्स कहाँ पर है, लिन बोलते मुझे माफ करना लेकिन लगता नहीं है वो यहाँ पर है, मेरे अलावा कोई और नहीं है। जिंग चिल्लाकर बोलती है लेकिन डॉक्टर लिन धत तेरे की, मैं ज्यादा देर तक और इसे नहीं रोक सकती हूँ। लिन बोलते रुको रुको मैं तुम्हें एक बेसिन देता हूँ। फिर वो बेसिन उसे दे देता और बोलता है जल्दी से इसमें कर दो, इसे ज्यादा देर रखना सेहत के लिए खराब ही होता है। जिंग बोलती है डॉक्टर लिन देखना मत यहाँ पर, मुझे बहुत ही शर्म आएगा। फिर लिन पीछे मुड़ जाता और बोलता है चिंता मत करो मैं पीछे नहीं देखूंगा। जिंग हल्का हो जाती है और कुछ देर के बाद बोलती है धत तेरी की, मुझे सही में बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा है। लिन बोलते है चिंता मत करो मैं डॉक्टर हूँ। तभी कोई चिल्लाकर बोलता है लिन बाहर आ जाओ। लिन बोलता है ये तो डू है, उसकी इतनी हिम्मत वो वापस आ गया। जिंग बोलती है डॉक्टर लिन आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या। लिन बोलता है कुछ नहीं ये परेशान कर रहा मुझे, तुम थोड़ा सा आराम कर लो मैं उसे जाकर देखता हूँ। जिंग बोलती है ठीक है। फिर लिन बाहर आ जाता और बोलता है तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम वापस आ गए, तुम अभी भी नहीं सुधरे। डू बोलता है लिन तुम बहुत ही ज्यादा भाव खा रहे हो, मैं मानता हूँ कि अगली बार मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सका लेकिन इस बार मैं तुम्हारा मौत को लाया हूँ। फिर वो चिल्लाकर बोलता है गोस्ट गोस्ट बोलता है मास्टर डू तो आप इसे बच्चे के बारे में बोल रहे थे। लिन बोलता है मैं भी सोच रहा था कि तुम्हें इतना हिम्मत कहाँ से मिला क्योंकि इस बार तुम किसी और को मदद के लिए लाए हो। डू बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, अंकल गोस्ट हमारे ग्रुप के मास्टर है। गोस्ट बोलता है डू को मास्टर डू इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर वो लिन को बोलता है आ जाओ बच्चे दिखाओ तुम्हारे पास कितना दम है। लिन बोलता है जैसा तुम बोलोगे वैसे ही होगा क्या, मेरा कोई इज्जत नहीं है क्या। डू गुस्से से लिन को बोलता है तुम कमी नहीं कही क्या, हिम्मत है तो यहाँ पर आओ गोस्ट इसे मार डालो। तभी वहाँ पर यूनियर आ जाती है और बोलती है रुक जाओ वहीं पर। डू तुम अभी भी लिन को परेशान कर रहे हो, उसने तुम्हारा हाथ भी ठीक किया था याद है ना। डू बोलता है यूनियर तुम उसका साइड का एक्शन ले सकती हो, मुझे इसे बहुत ही ज्यादा नफरत है, हमारे मामले में दखल मत दो यूनियर, आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। लिन बोलता है यूनियर को यूनियर मैं देख लूंगा इन्हें, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यूनियर बोलती है जो करना करो तुम लोग, हर जाओगे पछताना मत, फिर मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी। लिन बोलते चिंता मत करो उसके अलावा मुझे एक विटनेस की जरूरत है। यूनियर शॉक होकर बोलती है विटनेस तुम इन्हें कैसे हराओगे। डू बोलता है हाँ सही बोल रही है यूनियर यहीं पर रुको और इसका हारते हुए चेहरा देखना। लिन बोलता है डू इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, हमें अभी भी नहीं पता है कि कौन जीतने वाला है। डू बोलता है फिर कैसा रहेगा कि हम लोग शर्त लगाए। लिन बोलता है लगता है कि तुम अपने के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हो, अगर मैं जीता तुम मेरे नौकर बनोगे। गोस्ट बोलता है मास्टर डू ये लड़का हमें बहुत ही ज्यादा कम समझ रहा है। फिर वो लिन के सामने बोलता है यंग मैन फिर मत बोलना मैं तुम पर रहम नहीं दिखा रहा हूँ। लिन बोलता है गोस्ट तुम हार जाओगे मेरे से। फिर वो दोनों आपस को देखते हुए अपने मन में बोलते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। गोस्ट लिन पर हमला करते हुए बोलते हैं आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ, ये लो बच्चे इसका स्वाद चखो। लिन अपने मन में बोलते हैं ये स्टाइल तो साउथर्न फिस्ट है ना। यूनियर अपने मन में बोलती है गोस्ट सावलिन साउथर्न फिस्ट का मास्टर है, लिन संभल के रहना। दूसरी तरफ गोस्ट लिन पर हमला किया जाता है। लिन अपने मन में बोलता है इसका पन सही में बहुत ही ज्यादा तेज है, ये तो मुझे मौका भी नहीं दे रहा है, मैं इसके हमले को और ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। गोस्ट लिन को बोलता है क्या हो गया बच्चे, हो गया तुम्हारा भाव खत्म, अगर तुम मास्टर डू से माफी मांग लोगे मैं तुम्हें जान दे दूंगा। लिन बोलते है इसके बारे में सोचना भी मत। यूनियर बोलते है लिन हार मान लो गोस्ट सही में सीरियस हो रहा है। लिन बोलते है ये सीरियस हो रहा है लेकिन मैं नहीं। गोस्ट ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो लिन पर हमला कर देता है। लिन उसके हमले से बचकर उसका हाथ पकड़ लेता है। गोस्ट बोलता है क्या ये मेरा हाथ को लॉक कर दिया, चलो अच्छा ही है इससे तुम मेरा हमला को नहीं रोक पाओगे। लिन बोलता है भूलो मत मेरा भी हाथ खाली है। फिर वो दोनों एक दूसरे पर मुक्के से हमला करता है। गोस्ट अपने मन में बोलता है इसका मुक्का पत्थर की तरह सख्त क्यों है। तभी लिन उसके पेट में एक जोर से किक मार देता है और बोलता है तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। ये देखकर यूनियर और डू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या। यूनियर लिन को बोलती है लिन मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम सही में अंकल गोस्ट को हरा सकते हो। लिन बोलता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। तभी यूनियर उसे गले लगाते हुए बोलती है अच्छा वो कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगा, मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता हो रहा था कि गोस्ट तुम्हें मार ना दे। लिन बोलता है मैं उतना भी कमजोर नहीं हूँ। डू गुस्से से बोलता है यूनियर मैं हार गया और तुम लिन का गले लगा रही हो। फिर वो अचानक से गिर जाता है जमीन में। उसके सारे बॉडीगार्ड बोलते हैं मास्टर डू क्या हो गया आपको। लिन यूनियर को बोलता है क्या हो गया इसे, क्या ये बीमार है। यूनियर बोलती है मैं इस बारे में नहीं जानती कुछ। लिन बोलता है अगर ये यहाँ पर मारा गया तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। फिर वो सभी को बोलते हैं सभी लोग हट जाओ मुझे देखने दो कि मैं इसे ठीक कर पाऊंगा कि नहीं।
फिर लिन उसका चेकअप कर लेता है और बोलता है, ये तो सही में ठीक ही है, लग रहा है ये ऐसे ही बेहोश हो गया। फिर वो उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है, मैं जीत गया हूँ, तो अच्छा रहेगा कि तुम मेरा प्रॉमिस निभाओ और मेरे नौकर बन जाओ। डू चिल्लाकर बोलता है, बाहर में जाओ, किसने प्रॉमिस किया था तुमसे? लिन बोलता है, डू लगता है कि तुम भूल गए वो दर्द के बारे में, और उसे थप्पड़ मारने वाला होता है। डू चिल्लाकर बोलता है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी बातें मानूंगा, अभी से तुम मेरे बॉस हो, ठीक है? फिर लिन सभी को बोलता है, सभी लोग सुन गए हो ना, तुम्हारे मास्टर ने मुझे लीडर चुना, तुम लोगों को अभी से मेरी बात माननी होगी, मुझे अभी डू से काम है, तुम लोग जा सकते हो। यूने बोलते है, लिन सही में तुम बहुत ही ज्यादा मस्त हो, फिर मैं चलती हूँ। डू बोलते है, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? लिन बोलते है, बॉस को इजाजत है सवाल पूछने का। डू घबराते हुए बोलते है, ठीक है। फिर वहाँ के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लिन डू को बोलते है, बताओ मुझे तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो ऐसा दिखते नहीं हो, लेकिन दिक्कत क्या तुम्हें? डू बोलता है, मैं औसंग से जियांग गया था, वहाँ के नाइट क्लब में बहुत सारे सुंदर लड़की थी, मैं उनमें से एक लड़के के पैर में फंस गया और मैंने उसे आराम से पिला दिया, फिर मैं उसे होटल में लाया कि उसके साथ मजे कर लूंगा। ये मेरी गलती थी कि मैं बहुत ही देर से स्टार्ट किया, मैं चाहता था कि मैं वैसा एटमॉस्फेयर बिल्ड करूं बियर पीते हुए और देखते हुए, लेकिन मैं उस वीडियो में उतना घुस गया, वो लड़की मेरे सर में बोतल मारकर वहां से निकल गई, मेरा सर का घाव बहुत ही ज्यादा गहरा था, उसी के बाद ये प्रॉब्लम आया मुझे। लिन बोलता है, मैं समझ गया, इसलिए यूनियर को इस बारे में पता नहीं था, ठीक है तुम जा सकते हो अब। डू चलाते हुए बोलता है, अगर तुमने यूनियर को बताया ना मैं फिर। लिन उसे जोर से थप्पड़ मारता और बोलता है, तुम मेरे नौकर हो, इतनी मत, तुम इतना भाषण दे रहे हो, जब मैं तुम्हें जाने को बोला उसी से हमें जाना चाहिए था, और तुम यहाँ पर बैठकर बकवास कर रहे हो। डू रोते हुए बोलते हैं, मैं समझ गया। फिर वो वहाँ से भाग जाता है, तभी वहाँ पर लड़की आ जाती है और बोलती है, हे क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? लेकिन उसके पाँव को देखकर अपने मन में बोलता है, वाह इसके पाँव कितने सुंदर है। वो लड़की बोलती है, क्या तुम डॉक्टर लिन को जानते हो? लिन बोलता है, सही बोलो तो मैं ही लिन हूँ। वो लड़की बोलती है, हाँ एक बच्चा? फिर वो अपने मन में बोलती है, लेकिन ये सही में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। लिन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, धरती रिकी ये मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हो गया। वो लड़की बोलती है, क्या हो गया तुम्हें? लिन बोलता है, कुछ नहीं, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो लड़की बोलती है, मैं डू की पर्सनल डॉक्टर हूँ, मेरा नाम लू बिंग है, वो बोला मुझे जिंग के आकर मदद करो। लिन बोलता है, और तुम भी डू के इंचार्ज हो ना उसके कंडीशन के लिए? लू शॉक्ड होकर बोलती है, तुम्हें कैसे पता? लिन बोलता है, ये फर्क नहीं पड़ता है, मैं प्लान कर रहा था कि मैं उस पर क्रैनियोटॉमी करूं, तुम्हें पता है उसके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में क्या? लू बोलती है, अच्छा रहेगा कि तुम इसमें मत पड़ो, पहले ही हार मान लो, हालांकि उसका घाव सर्जरी करके ठीक कर दिया है, लेकिन उसके सर में खून जम गया है, उसके अलावा मास्टर डू दूसरे क्रैनियोटॉमी को झेल नहीं पाएंगे। लिन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक कर दूंगा। लू बोलती है, तुम? लिन बोलता है, क्या तुम बेट लगाओगे मेरे साथ? फिर वो अपने मन में बोलता है, सही में मैं इसकी शक्ल एक और सेकंड तक नहीं देख पाऊंगा। लू बोलती है, ये सही में बहुत ही अच्छा आइडिया है, अगर तुम मास्टर डू को नहीं ठीक कर पाए फिर तुम मेरे साथ शादी करोगे। लिन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। फिर वो लू को बोलता है, चिंता मत करो, मैं किसी भी हाल में उसे ठीक करके रहूंगा। लू बोलती है, सही में तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो। लिन अपने मन में बोलता है, अगर मैं हार गया ना मैं सही में मर जाऊंगा, इससे शादी नहीं करूंगा। लेकिन फिर वो लिन को बोलता है, जिन अंदर में है, जाओ तुम अपना काम करो। लू बोलती है, ठीक है। फिर वो अंदर चली आती है। लिन अंदर आकर सोचने लगता है और अपने मन में बोलता है, मैंने इतना बड़ा प्रॉमिस किया है लेकिन ये सही में बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। लू बोलती है, ब्लैक फेस गॉड? फिर वो उसके सामने जाकर बोलती है, ब्लैक फेस गॉड? लिन बहुत ही टेंशन में होता है, वो उसकी आवाज को सुन नहीं पाता है। वो अपने मन में बोलती है, मैं इसे नहीं दिख रही हूँ क्या, ये नाटक कर रहा है। फिर वो उसके पेट में मारती है और बोलती है, हे तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास क्या बुरी खबर है, बताओ मुझे। लिन चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूँ, सही में तुम्हारा बहुत ही ज्यादा भाव हो गया है। तो बोलती, तुम इतना गुस्सा में क्यों हो?